तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 597 में क्या है। बोला है इन द ट्रायंगल गिवेन अबव ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो गिवेन अबव की जगह गिवेन बिलो लिखता तो सही रहता। तो अपना ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड चलिए थोड़ा सही ढंग का डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी ट्रायंगल हो गया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी। और क्या बोला है कि कौन सा एंगल है भाई, ए बी सी, ए एंगल ना 45 डिग्री हो गया, ये तो 90 डिग्री है ठीक। ए डी का वैल्यू 10 दिया है, ए सी का वैल्यू 20 दिया है। फिर हमें क्या चाहिए, हमें पूरा का पूरा बी सी चाहिए। तो देखिए अगर ए 90 डिग्री है, एंगल बी 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। 45 होने से आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो इसका मतलब ए डी एंड बी डी दोनों सेम होगा, तो इसका वैल्यू 10 हो गया। फिर आते हैं इसमें डी सी में। सो डी सी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। सो यहाँ से आ रहा है 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 400 में से 100 गया 300, 300 को लिख सकते हैं 10√3। तो बी सी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया अपना बी डी प्लस डी सी, मतलब 10 प्लस 10√3। तो यहाँ से 10 कॉमन लेके 1 प्लस 1.732, सो 27.32 आ रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, एक तो ए पॉइंट का यूज ये किया कि अगर राइट ट्रायंगल में एक एंगल 45 हो गया तो दूसरा भी 45 होगा, जिससे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट जो हमने यूज किया वो है पाइथागोरस थ्योरम का। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने वैल्यूज निकाल लिया, बाद में बस ऐड करना है। समझ गए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन।